हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेशन में परसेंटेज के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एक टाइप बनती है। 2 टाइप हैं इसके अंदर और डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछी गई है। और ये क्वेश्चंस आपके एसबीआई क्लर्क प्री 2018 की जो अपकमिंग एग्जाम है इसके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अपने स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस बाय 20%। By what percent should a family reduce its consumption of milk so that there is no change in expenditure on milk? कोई एक परिवार है जो कोई दूध लेता है और दूध की जो रेट है वो 20% से बढ़ गई, लेकिन वो अपना दूध के ऊपर जो खर्चा हो रहा था उसको पहले जितना ही रखना चाहता है, तो वो खपत को कितना कम करे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब दो ही चीज होती है, भाई उसमें क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, भाई जैसे मिल्क का एक्सपेंडिचर या किसी चीज का एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक तो जो उस दूध की रेट है प्राइस, और एक उसकी जितना लिया आपने क्वांटिटी है, तो दूसरा आ गया क्वांटिटी, या मैं इसको पी और क्यू लिखूं तो पी गुणा क्यू, ये आपका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। अब वो कह रहे हैं कि पी जो है, जो प्राइस है वो 20% से बढ़ गई, ये एक आपकी पहली कंडीशन थी पी गुणा क्यू। अब वो कह रहे हैं कि पी क्या होगी, 20% से बढ़ गई, भाई यहां पी 100% था तो 20 और हो गया, तो 20% से बढ़ गई तो 1.2 कर लो, या 20% से बढ़ गई मतलब 120% होगी, तो 120/100 पी हो गया। और खर्चे में, अब वो क्या कह रहे हैं कि खर्चे में वो चेंज जा रहा है, जैसे खर्चा एज इट इज जा रहा है, क्वांटिटी में वो चेंज करना चाह रहा है, खपत घटा लेगा, भाई ये बड़ी है तो उसको घटाएगा तो इक्वल रहेगा, तो इसको मैं अगर नई जो क्वांटिटी है उसको Q1 मान लू, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब एक्सपेंडिचर जो नया एक्सपेंडिचर है ये आ गया, ये एक्सपेंडिचर 1 था, ये एक्सपेंडिचर 2 था। अब वो कह रहा है कि 1 और 2 को वो इक्वल रखना चाहता है, तो इनको इक्वेट कर लो, पी गुणा क्यू जो पुराना था उसके बराबर आप कर लो, 100 और 120 को इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 120/100, वैसे तो 1.2 आ गया है, पी इंटू क्यू वन। अब पी से पी कैंसिल आउट हो गया और ये एक सिफर इससे कैंसिल आउट आ गया, 2 6 12 और 2 5 10, तो ये क्या आ गया, अगर क्यू वन इज इक्वल टू नई जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, उस तरफ आप लेके जाओगे तो ये 5 और ये 6 नीचे चला जाएगा, 5/6 क्यू, जो पुरानी क्वांटिटी थी उसकी 5/6 रह गई, तो कितनी घट गई, रिडक्शन कितना आ गया क्वांटिटी में, रिडक्शन कितना आ गया, रिडक्शन आ गया आपका पहले क्यू था और क्यू अब हो गया 5/6 क्यू। क्यू को आप अगर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 5/6 और क्यू गुणा 1/6, 1/6 क्वांटिटी उसकी घटा दी। अगर आप परसेंटेज में, भाई व्हाट परसेंट पूछ रहा है, तो 1/6 का परसेंट आप निकालोगे तो क्या कर दोगे, 1/6 को 100 से गुणा कर दो, तो 100/6 का मतलब 16.2/3%, आप इसमें देख लो 16.2/3%, ये सी आंसर आपका राइट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप, एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करें, एक ही बिल्कुल छोटा सा तरीका है, अगर आपके समझ में आ जाए तो प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 20%, दो ही चीज है, एक प्राइस है और एक क्वांटिटी है, तो एक 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लें, परसेंटेज फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/5, 20% को 20/100 करोगे तो 1/5, तो जैसे ये ओल्ड थी और ये हो गई न्यू, और ओल्ड और न्यू में प्राइस में कितना फर्क पड़ा, 1/5 का, तो इसको वापस इक्वेट करने के लिए कि बराबर वो ही चीज रहे, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रखना है तो आप इसको अगर वापस लेके जाओगे तो आप क्या करेंगे, 1/5 में एक और जोड़ लें तो 1/6 हो गई, तो 1/6 का परसेंट आप निकालोगे तो वो 16.2/3% आ जाएगा। इंक्रीज में ये प्लस होगा, अगर ये डिक्रीज हो रही होगी तो ये -5 आ जाएगा, इसमें -5 में एक जोड़ोगे तो ये 1/4 रह जाएगा और ये 25% हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए हाउसवाइफ टू बाई 5 kg मोर राइस फॉर ₹1200 द न्यू प्राइस ऑफ राइस। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस,
20% की चावल की दरों में कमी आ गई। ये हाउसवाइफ क्या हो गया, उससे 5 किलो ज्यादा चावल मिलने लगे। इसका मतलब नया जो गेम है या नई जो सीन है, नए सीन में क्या है, 20% की कीमत जो खर्चा है उसकी 20% की कीमत क्या होगी, 5 केजी। तो 20% नए के लिए आएगा, ये पूरा न्यू के लिए आएगा, क्योंकि ये न्यू के एक्सपेक्ट में ही कह रहा है। न्यू के एक्सपेक्ट में क्या हुआ, 20% की वैल्यू क्या आ गई, 5 केजी। और 100% का क्या आ गया, भाई 100% ही होगा पूरा, तो 20 × 100 = 5 × 25 25 किलो चावल, और 25 किलो चावल कितने रुपए में मिल रहा है, 1200 रुपए में। तो रेट क्या आ गई, नहीं 1200/25, 25 को 1200 से करोगे तो 25 चौके ये आ गई आपकी न्यू रेट। जो भी यहां निकलेगी वो न्यू रेट निकलेगी। आपको अगर पुरानी निकालनी है तो जो रिडक्शन, जैसे ये कह रहे हैं 20% इंक्रीज या डिक्रीज है, जैसे अभी अपन निकाल लेंगे 25 × 100 = 2800, तो नई रेट क्या आ गई चावल की, 48 रुपए/kg, ये आपकी नई रेट निकल गई। इसमें न्यू रेट निकलेगी क्योंकि ए रिडक्शन और 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, मतलब ये नई की बात कर रहा है आपको, कि जो नई गिरी हुई दरें हैं उसमें 20% की गिरावट की वजह से 5 किलो ज्यादा, तो 20% की कीमत आपकी आ गई 5 किलो, तो 100% 5 गुना ज्यादा होगी 25 किलो, 25 किलो चावल वो ले पा रहा है 1200 रुपए में, तो 48 रुपए/kg उसकी रेट है ये न्यू। अगर वो ओल्ड रेट पूछता या ओरिजिनल रेट पूछता तो ओरिजिनल रेट में क्या हो जाता, ये रिडक्शन ऑफ 20% है, मतलब पहले जितनी थी, मतलब ये 48 रुपए/kg जो ये रिडक्शन है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अभी ये खरीद पा रहा है 25 किलो चावल और ये 5 किलो ज्यादा है, तो पुराने ओरिजिनल में कितने आते, 25 − 5 20 किलो चावल, और 20 किलो चावल कितने में, 1200 रुपए में, तो कितना आ जाता, 60 रुपए/kg, ठीक है। और 48 को अगर आप 0.8 से डिवाइड करते तो भी 60 रुपए/kg आता, किसी तरीके से कर लो, भले इसमें क्वांटिटी में कर लो चाहे रेट में कर लो, तो इसमें जो निकलेगी वो न्यू निकलेगी, ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीज बाय 20%, प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, फाइंड बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या हुआ, मैन पावर इंटू घंटे, भाई जो प्रोडक्शन है कंपनी का वो किस वजह से हुआ, कुछ जितनी लेबर लगी हुई है, मैन पावर को अगर मैं एम कहूं और वर्किंग आवर को एच कहूं, तो वर्किंग आवर घंटे उनकी वजह से था। अब वो कह रहे हैं कि एम है, ये तो प्रोडक्शन था आपका पहले, अब ये 20% का इसमें डिक्रीज हो गया, आदमी है वो कुछ छुट्टी चले गए, तो इसमें नया क्या हो गया, P2 अगर मैं प्रोडक्शन करूं तो ये हो गया 20%, मतलब 80% रह गया, 80/100 = 0.8 एम हो गया, और गुणा, अब वो क्या कह रहा है, जो भी कोई, अब वो कह रहा है कि इन दोनों को एच आवर्स थे, मतलब ये एच आवर काम कर रहे थे, तो ये गिर गया उतना, 20% की गिरावट आ गई डायरेक्ट इसमें। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल जितना था तो आवर्स कितने बढ़ाए जाए, अगर इनके वर्किंग आवर इनकी लेबर के बढ़ा देंगे तो वो मैन पावर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे, 0.8 × H, तो ये मान लिया पढ़ने की ये H1 थे, ये दूसरा घंटे जो पहले 8 घंटे कर रहे थे, 10 घंटे थे, 9 घंटे थे, जो भी थे, और ये एक है, ये दो है, इनको दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि प्रोडक्शन सेम रखना आपको, तो ये क्या आ गया, M × H = 0.8 × H1, M से M कैंसिल आउट हो गया, और H1 = क्या आ गया, H1 = 1/0.8 H, जो पुराना जो जितना था, अगर आप इसको करेंगे 1/0.8 तो ये आपका 10/8 आ गया, अगर इसको आगे आप करोगे तो 10/8 H, 8 × 2 ये आ गया आपका 4, ये आ गया 5, 4/5 का मतलब 1.25 H। तो अब नए परिवेश में क्या कर दिया आपने, 25% से उनका वर्किंग आवर बढ़ा दिया, तो ये परसेंट में निकालोगे तो कितना हो गया, 25%, भाई पहले एच था और एक 1.25 एच आ गया, तो 25% से बढ़ गया, तो ए आपका ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, इसको भी जो मैंने बताया था उस तरीके से आप कर सकते हैं, द प्रोडक्शन डिक्रीज्ड बाय 20%, भाई जो पहले जो चीज थी ओरिजिनल और न्यू में क्या फर्क आ गया, डिक्रीज होगी, 20% का फ्रैक्शन में अगर करूंगा
तो ये आ गया 1/5 और मैंने कहा जब डिक्रीज होता है तो ये माइनस हो गया, जब इसको वापस इक्वेट करोगे भाई कोई एज इट इज वही पोजिशन आ जाए, तो जो आपका 1/n है इसको मैं अगर 1/n बोलूं तो n प्लस 1 हो जाएगा वापस, तो ये माइनस 5 और प्लस 1 होके कितना आ जाएगा 1/-5 प्लस 1, तो ये हो गया 1/4। 1/4 का मतलब परसेंटेज अगर 1/4 की आप निकालेंगे तो वही 25% इससे भी निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 75% वाटर व्हाइल ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, इफ द वेट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स इज 300 kg, व्हाट वाज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। तो फ्रेश फ्रूट 75% वाटर, अब फ्रेश फ्रूट में क्या है, फ्रेश में आपका क्या है 75% तो है वाटर और 25% हो गया पल्प, जो उसका गुद्दा या पल्प आप जो भी कहें उसको, और जब ये ड्राई हो जाता है तो क्या बन जाता है इसका कि इसके अंदर 20% वाटर रहता है, वाटर रह गया 20% तो 80% पल्प हो गया। अब वो कह रहा है कि कोई फ्रूट है वो 300 किलो ड्राई है, मतलब यहां है वो 300 kg, तो 300 kg जो ड्राई फ्रूट है तो पल्प कितना हो गया उसमें 300 kg में, पल्प हो गया 300, 80% है 80/100, तो 240 किलो, 240 किलो पल्प है उसके अंदर। तो ये फ्रेश में भी पल्प था कितना 25% था, तो आप इसको 25% की वैल्यू मान लो 25, अगर आप फ्रेश के लिए अब चलेंगे तो आपके पास क्या आ गया 25% की कीमत आपकी आ गई 240 किलो, और आपको 100% निकालनी है, फ्रेश का वजन कितना हुआ 100 हुआ, तो 100 कितना हो जाएगा 100% के लिए, तो आप ले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ये आपको नजर आ ही रहा है कि 4 गुना हो गया, 25% की जो वैल्यू है तो 100% की उससे 4 गुनी होगी, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो 100 × 240 और 25, 25 × 100 और 240 को अगर हमें 24 × 96 960 किलो, तो जब ये फ्रेश रहा है उस वक्त ये 960 किलो था, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाई 10 marks, हाउएवर बी टुक द सेम एग्जाम गोट 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड गोट 15% मोर देन द पासिंग मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। अब उसमें क्या है, ए ने 30% मार्क्स किए 30% और 10 नंबर से वो फेल हो गया, अगर 10 और जुड़ जाते तो वो पासिंग आ जाते, और उससे इक्वेट किससे करो, बी ने क्या किया है 40% मार्क्स प्राप्त किए और वो 15 नंबर ज्यादा है पासिंग से, तो ये दोनों चीजें फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेट होगी भाई, 30% प्लस 10 पासिंग और 40% माइनस 10 भी पासिंग, तो अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो 10% की कीमत आपकी आ गई 25, तो 100% की कीमत कितनी आ गई, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 25 × 100/10 मैक्सिमम मार्क्स, तो 10 दावा ये 250 आ गया, 250 मार्क्स का वो एग्जाम है। अब वो क्या पूछ रहा है, अब 250 मार्क्स का एग्जाम था तो आप किसी में भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो भाई, 30% भाई 250 मार्क्स का है तो 30% कितना हुआ 75 मार्क्स प्लस 10 85 मार्क्स, तो पासिंग कितने हो गए, पासिंग हो गए आपके 30%, तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई 30/100 × 250 और प्लस 10 नंबर से फेल हुआ है वो, तो ये आपका एक सिफर इससे कट गई, एक इससे कट गई 75 × 10 85 मार्क्स, आप उसमें भी रखेंगे तो वही आएगा 40/100 में से 15 गया 85, तो 85 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, आप इसमें देखिए 65 75 90 80 कोई नहीं है तो नन ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन, तो ये भी एक टाइप है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो जो दे रहा है उसको आप निकालने की कोशिश करो निकल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो परसेंटेज का, जिसमें दो तीन टाइप थी, ये फ्रूट्स वाला क्वेश्चन भी आता है, ये आपके मार्क्स वाला भी आता है, देन जो वो कभी शुगर का कभी मिल्क का कभी राइस का दे देगा इतने परसेंट से बढ़ा है तो वो खर्चे कांस्टेंट करने के लिए क्या करे, या उसकी रेट्स पूछ लेगा बढ़ी हुई रेट ओरिजिनल रेट्स, तो ये दो तीन टाइप आपकी इसमें कवर हुई है, अगर आपके कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो एक बार रिपीट करके देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दूसरे नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, हैव ए नाइस डे।